हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मसालेदार भरमार में एक ऐसी रेसिपी जो खाने में तो टेस्टी है ही लेकिन बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आधा किलो अरवी ली है। तो देखिए, अरवी आप हमेशा गोल आकार की लें ताकि आपको भरने में आसानी रहे, कट लगाने में आसानी रहेगी और भरने में भी आसानी रहेगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने देखिए अब पहले ले लेते हैं हम मसाला। तो देखिए, मैंने ये आधी चम्मच हल्दी ली है, आधी चम्मच मिर्च ली है, आधी चम्मच नमक ली है, नमक आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं, और दो चुटकी हींग ली है, और ये आधी चम्मच मैंने लिया सूखा धनिया, और आधी चम्मच ही मैंने गरम मसाला लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आधा किलो अरवी के लिए काफ़ी रहता है इतना मसाला। तो देखिए, अरवी मैंने छील ली है और अच्छे से इसको धो लिया है, और अब इसमें लगा दूंगी मैं बीच में से कट। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको आप पहले कपड़े से अच्छे से पोंछ ले, फिसल जाती हैं। तो अब इसमें मैंने देखिए बीच में से कट लगाया है, और इसमें मैं देखिए ऐसे चम्मच की मदद से इसमें ऐसे मसाला भर दिया है, और मसाला बिल्कुल भी नहीं निकलता है इसमें से। तो देखिए, सारी अरवी हम ऐसे ही भर के रख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी अरवी ऐसे ही भर के रख ली है, और अब देखिए सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक कड़छी तेल। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने डाली है आधी चम्मच अजवाइन, तो अजवाइन और दो चुटकी भर हींग। और देखिए फ्रेंड्स, अजवाइन से ये अरवी बिल्कुल भी हमें बाई नहीं करती है, तो हमेशा अरवी में अजवाइन डालनी चाहिए, ये बहुत ही अच्छी होती है। तो इसको हम देखिए उल्ट पुल्ट करके इसमें अच्छे से जो तेल है ये मसाले में अच्छे से चला जाएगा। तो ऐसे थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे ही उल्ट पुल्ट करेंगे, और अब इसको हम ढक देंगे, और देखिए गैस को कर देंगे बिल्कुल धीमा ताकि ये धीमी धीमी गैस पे अच्छे से पक जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हर एक दो मिनट बाद इसको हम उल्ट पुल्ट करते रहेंगे, जहाँ से ये सिक जाएगी उसको हम उल्ट पुल्ट कर देंगे। तो देखिए, ऐसे हर एक दो मिनट बाद आप करते रहें और गैस बिल्कुल धीमी रखें ताकि ये अच्छे से गल जाएँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये मेरी अरवी बिल्कुल गल गई है, और देखिए आप ऐसे कड़छी की मदद से इसको देख सकते हैं। तो आपको ये जब सॉफ्ट नज़र आएगी तो समझ लीजिए कि आपकी अरवी बिल्कुल अच्छे से गल गई है। और देखिए, जो भी हमने तेल डाला था ये सारा हमारी अरवी ने अच्छे से पी लिया है। तो जब ये बन जाती है तो पूरा जो हम ऑयल डालते हैं उसको पूरा अपने अंदर एग्जॉर्ब कर लेती है। तो देखिए, अब हमारी अरवी बिल्कुल गल गई है, और फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको चपाती, पराठे और टिफ़न में भी पैक कर सकते हैं, और इसके ऊपर से डाल दें नींबू, नींबू का रस, और नींबू का रस के बिना तो इसका स्वाद अधूरा है। तो नींबू का रस आप इस पर ज़रूर डालें, और उसके बाद इसको खाएं।